भाई साहब FIR लॉन्च करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल होना जरूरी है? काउंसलर आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर. इंडिपेंडेंट विटनेस व्हाट एवर इट मे बी सर प्लीज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू वेस्ट माय टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर माय क्वेरी. दैट अंडर आर्टिकल 226 आई कैन कंडक्ट अ मिनी ट्रायल. आर्टिकल 226 इसलिए लगेगा मिनी ऑर्डर इसमें. अरे आई कैन कंडक्ट अ मिनी ट्रायल. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा. मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे. मैं ध्रुवराज शर्मा पिटिशनर हूँ इसमें. ये पूरा केस जो है लॉर्ड इसमें चार्जशीट पेश हो रही है मेरे साहब. चार्जशीट डिपार्टमेंटल चार्जशीट पेश हुई है? डिपार्टमेंटल नहीं है. FIR लॉन्च की थी जो काउंटर ब्लास्ट टू NIH केस है. FIR आपके खिलाफ हुई है? NIH का नोटिस दिया था मेरी डॉटर ने जो लंदन में है. किसको किसको नोटिस दिया था? बी लॉर्ड जो नोटिस लगा हुआ है पेज नंबर 205 चार्जशीट के. एनेक्सर ये चार्जशीट के पेज नंबर एनेक्सर P3 P3 का पेज नंबर 205. जी सर मी लॉर्ड. एक सेकंड. आपके डॉटर ने नोटिस देते हैं श्रीमद अभिलाषा वर्मा. अभिलाषा वर्मा ने नोटिस दिया था मुझे जो लंदन में रहती हैं जी. और जो नोटिस दिया था चीफ मैनेजर सितंदर हाफिज खान चीफ मैनेजर डायरेक्टर रिलायबल प्रो और श्री अब्दुल ताहिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिलायबल प्रो एंड प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मंडी थी इंजीनियरिंग. ठीक है उन्होंने नोटिस दे दिया जी. फिर क्या हुआ? तो इस नोटिस के बाद इन्होंने एक FIR दर्ज की जो कि पेज नंबर 135 पे 135 पेज नंबर. जी सर क्या है इस FIR में? 380 की FIR है. चेक चोरी करने रहे. तारीख कब की है इसकी? 2018 17/4/2018 और जबकि नोटिस मिला था 5/4. मेरे भाई शांति इतनी तेजी से ना चलेंगे. इम्प्यून FIR है ये है? ये FIR ही चैलेंज में है? नहीं ये चार्जशीट चैलेंज में है. अरे तो FIR ही है ना असली मुसीबत की जड़? जी हाँ जी. अच्छा 17/4/18 को है ये क्या कहते हैं FIR में? ये कब चोरी हुई? चेक चोरी करना बता रहे हैं 2008 में सर. 12/5/2008 10 साल पुरानी. 12/5/2008 में 10 ईयर्स हो गया. अच्छी बात है. आपकी बेटी का जो नोटिस है 205 नंबर पे वो इंग्लैंड में रहती है जी. तो इंग्लैंड में कब से रहती हैं? वो 2004 से. 2004 से हैं तो 2008 में कहते हैं चेक चोरी हुआ और आपके हिसाब से चेक कब दिए गए थे? 2017 में. चेक दिए रहे थे 2009 में. 2009 में चेक दिए गए थे जी. किस बात के लिए? ये इस बात के लिए दिए गए थे. मेरा लड़का जो है सर मैं मेंटली IIT टॉपर रहा मेंटली इल था USA में था तो उसको जब वो मेंटली इल हो गया तो इंडिया में आया तो एलोपैथी इलाज किया था तो इलाज से कोई फायदा नहीं हो गया था. होम्योपैथी इलाज से फायदा हुआ तो वर्ल्ड लेवल का एक होम्योपैथी हॉस्पिटल खोलने के लिए मेरे फादर मतलब अभिलाषा के ग्रैंड फादर ने ये इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया जी. आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया था किसमें? इस चीज में जे इनके यहाँ जे सितंदर आफिस्तान और अब्दुल ताहिर इनके यहाँ. हाँ तो फिर वो हॉस्पिटल खुला क्या? हॉस्पिटल के लिए जब जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी 82,80,000 रुपए की 2017 में जे अन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था मिल और कि जब जरूरत हुई आप ले लीजिए. तो चूंकि WHRO का ऑर्गेनाइजेशन हमने 2012 में किया वर्ल्ड होम्योपैथिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चलने लगा तो 2017 में हमने जो है 2018 में हमने इनसे पैसा मांगा 82,80,000. आपके दादाजी ने कब पैसे दिए थे? 2009 में मिला. 2009 में जी. और आपने पैसे वापस मांगे 2017 में? 2018 में. 18 में जी. तो चेक कब दिए गए? 2009 में दिए गए.
मतलब 2009 में आपके दादाजी ने पैसे दिए, बदले में चेक ले लिए, चेक ले लिए थे। अच्छी बात है। तो चेक के अलावा प्रोनोट भी दिया, प्रोनोट कुछ भी होगा, अभी तो 138 का आप सहारा ले रहे हो। जी हाँ जी। 2009 में जो चेक लिया था वो खाली चेक था क्या? हाँ, ब्लैंक था, उसमें जो है अमाउंट भरा हुआ था और दस्तखत थे नीचे और उसमें था कि आप चाहे जब भर सकते, जब चाहेंगे आप भर लीजिएगा। जी हाँ। अच्छा, ये किसको चेक दिया था? जी, ग्रैंड फादर को दिया था। तो ग्रैंड फादर ने डॉटर का, इसमें क्या मीन लॉर्ड, एक इम्पोर्टेंट बात दिया। जस्ट अ मिनट, फादर ऑफ एप्लीकेंट इन 2009 विद अ डायरेक्शन टू फिल अप व्हिच वाज डन 2017। तो आपकी बेटी को तो नहीं चेक दिया गया था? नहीं नहीं। फिर आपकी बेटी ने नोटिस क्यों दिया? बेटी तो ऑथोराइज किया उन्होंने फादर कि बेटी तो छुट्टी, उस बेटी तो इंग्लैंड में रहती है आपकी, वो कहाँ से ऑथोराइज कर देंगे? नहीं, फादर ने ये कहा कि ये फादर, जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था फादर ने, तो इन्होंने कंपनी ने इनसे पूछा कि भाई आप पैसा किस अकाउंट में चाहते हैं। नॉर्मली आप सभी लोग बैठे, सभी एडवोकेट, सभी इन्वेस्टमेंट करते, कंपनी पूछती पूछती है कि आप किस अकाउंट में चाहते हैं। तो फादर ने मेरी डॉटर का अकाउंट नंबर दिया इनको, और इन्होंने उसी अकाउंट नंबर को, ये FIR का जो है आठवीं लाइन आप देख रहे नमी लॉर्ड, जो पेज नंबर 36, तो उसमें जो आठवीं लाइन में खाता नंबर दिया है 2171010006630, ये अकाउंट नंबर दिया है। ये कौन सा पेज है? ये पेज नंबर 137 नमी लॉर्ड। अच्छा, इसमें आठवें लाइन में अकाउंट नंबर दिया है 2171010006630, और ये कह रहे हैं ये कंपनी का अकाउंट है और इस अकाउंट के चेक चोरी हुए। अब आप इसका मील और जो है, ये अकाउंट कब बंद हो गया था? ये बता रहे हैं कि 2008 के पूर्व बंद हो गया था। बंद तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चेक जो है, आपके दादाजी को चेक दिया गया, नोटिस आपकी बेटी ने दिया, बेटी ने दिया। तो दादाजी की, दादाजी की डेथ हो रही थी, तो दादाजी को तो चेक नहीं दिया गया था, बेटी को तो चेक नहीं दिया, नहीं नहीं बेटी को नहीं दिया गया था, दादाजी को दिया गया था। तो जब बेटी को चेक नहीं दिया गया था, तो चेक लीगल रिकवरेबल डेप्ट क्या था? लीगल रिकवरेबल उन्होंने उसको ऑथोराइज किया कि आप ही इसका लेंगे, तो उसमें कहाँ है वो ऑथोराइजेशन? मिलोर्ड वो चेक दे रहे थे और वो भी भाई साहब, ये आप डिफेंस ले रहे हो, आपको 482 का स्कोप पता होना चाहिए। 482 नहीं, आर्टिकल 226 पर किया। आप कहीं पर भी आइए, जी हाँ, आपको स्कोप पता होना चाहिए। हाँ जी हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका वर्बल डिफेंस हम कैसे मान सकते हैं? आपका खुद का कहना है कि आपके दादाजी और अक्यूज के बीच में इंटरेक्चुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन थे। जी हाँ। चेक आपकी बेटी दे रही है? जी हाँ। चेक का नोटिस आपकी बेटी दे रही है? जी हाँ। वो भी 8 साल के बाद? हाँ जी हाँ। ये लीगली रिकवरेबल डेप्ट आपकी बेटी कैसे क्लेम कर रही है? जी जी, तो ये तो आपका डिफेंस है। उसमें NIH के नोटिस में सारी चीजें मिल और दर्ज है उसमें। भाई साहब, आपने भरी है? है? आपने भरी है, आपका खुद का एडमिशन है। हाँ। 8 साल के बाद की तारीख आपने भरी है? भरी है। नो प्रॉब्लम। जी हाँ। जब आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने चेक दिया था, पैसा दिया था, और आपके पिताजी को चेक दिया गया था, जी, जी, तो आपकी बेटी के लिए रिकवरेबल डेप्ट कहाँ है? लीगली रिकवरेबल डेप्ट आपकी बेटी कैसे पिक्चर में आ गई? बेटी के लिए ही मिल और उन्होंने, ये आपका डिफेंस है? जी हाँ जी हाँ। तो मैं आपका डिफेंस कंसिडर कैसे कर सकता हूँ? 226 मैं लीड आउट एक चीज और आपको महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ। बताइए। मैं एक मिनट बस, पेज नंबर 241 लिटा जी, 241 जी सर। ये बेटी के लिए ही दिया गया था, ये प्रूफ करता है। जस्ट अ मिनट, देख रहे जी। ये क्या है? ये जो है, जो चेक नंबर FIR में डला है, उसके ब्लैंक चेक की कॉपी है।
तो क्या हो गया? हाँ, इसलिए हो गया कि इसमें अकाउंट नंबर देखिए तो क्या हो गया सर, 2171010 ठीक है ना, और ये अभिलाषा वर्मा थे, इनके पास ये अकाउंट नंबर आया ही इसलिए कि फादर ने देता था पैसा इसी को देना है। ये आपका डिफेंस है साहब, मैं ये फंडिंग नहीं दे सकता, या कानून बता दीजिए मुझे कि मैं ऐसी फंडिंग दे सकता हूँ। जब इनके पास अकाउंट है मिस्टर, जी सर आपसे कानून पूछ रहा हूँ, कानून बताइए, मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, कानून बताइए ऐसी फंडिंग मैं 226 में या 482 में दे सकता हूँ। आपने कहा ये 482 नहीं, 226 226 तो 226 में दे सकता हूँ ऐसी फंडिंग। जी जी सर, जी सर कानून बता दीजिए। तो सर आप कानून पहले बताइए, आप बार बार डिफेंस ले रहे हैं, आपको वहां प्रूफ करना पड़ेगा अपना डिफेंस। उसका डिफेंस हम सर एनआईएट में प्रूफ करेंगे। तो करिए ना, तो आप डिफेंस नहीं प्रूफ करेंगे। ये एफआईआर के विरुद्ध है, एफआईआर जब दूसरा चीज क्या है, इन्होंने जो आरोप लगाया है कि आपने डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स की हैसियत से चेक चुराए, पदासीन सत्य दुरुपयोग किया, तो इसमें बिना सैंक्शन के जो है ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी। और 2005 का मैटर, इसकी सैंक्शन चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट की, इसलिए चाहिए थी ये सेक्शन दे दे रहे हैं। मुझे मालूम है कानून, मुझे मत दिखाइए ये नेताओं की तरह। जी हाँ, आप मुझे बताइए सैंक्शन क्यों जरूरत थी, इसलिए आपका क्या, ये आपका क्या सरकारी काम था, इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम से रिलेटेड है? हाँ, सरकारी काम से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है सरकारी काम से? चार्जशीट पढ़िए ना, पढ़ाइए ना, मैं पढ़ा रहा हूँ जी। चार्जशीट में जी कह रहे हैं, मैं चार्जशीट के कुछ पैरा पढ़ रहा हूँ। आप किस पद पे काम कर रहे थे? मैं डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स जी। ये बताइए, तो इसमें ये कह रहे हैं जी, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ चार्जशीट के 8-10 लाइनें। 17/4/2018 को फरियादी राम मनोहर शुक्ला पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर शुक्ला उम्र 48 साल नीमन 19/18 स्टार होम्स कॉलोनी E8 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी भोपाल में उपस्थित होकर लेखी आवेदन पेश किया, जिसमें लेट है कि मैं मैनेजर प्राधिता हस्ताक्षरकर्ता मंडीदीप इंजीनियरिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड निवासी मकान नंबर स्टार होम्स कॉलोनी E8 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी भोपाल 482039 का हूँ। मेरी कंपनी छोटी मशीनें सुधारने स्पेयर पार्ट्स बनाने की यूनिट चलाती है। हमारी उत्तर कंपनी का वर्षों पूर्व एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा व्यूप्रज में शाखा क्रमांक डेट वही खाता जो कि मैंने बताया डॉक्टर का ही था, जो कि वर्ष 2008 के पूर्व ही बंद था। गया हमारी उत्तर ग्रुप कंपनी का कार्यालय रॉयल मार्केट तराहे पर बॉम्बे स्टोर में स्थित था तथा मुख्य कार्यालय रिलायबल हाउस ए से स्थित है। हमारे उत्तर कार्यालय यहाँ से ऑफिशियल ड्यूटी चालू होती है सर मी लॉर्ड, हमारे उत्तर कार्यालय में दिनांक 9/5/2008 तत्कालीन डिप्टी सेल टैक्स कमिश्नर ध्रुवराज शर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ छापा मारा गया था तथा उच्च छापामारी टार के दौरान ध्रुवराज शर्मा द्वारा कुछ लोगों के साथ दोनों कार्यालय में आकर कंपनी के अकाउंट से अनुमान दस्तावेजों की छानबीन की गई। उच्च छानबीन में उनके साथ हमारी कंपनी एवं अन्य कंपनियों के बैंक से संबंधित दस्तावेज व चेकबुक की एंट्री की दस्तावेज अपने अधिपत्य में लेते हुए जांच में लिया जाकर कंपनी के चेकबुक जो कि जो मैं से श्री कंपनी के संचालक श्री अब्दुल ताहिर के हस्ताक्षर ब्लैंक चेक चुरा लिए ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, जिसका पता मेरी कंपनी को तब चला जब ध्रुवराज शर्मा द्वारा अपनी बेटी अभिलाषा वर्मा के नाम से इन चेकों को टूट रचित रूप से करके उसका उपयोग करते हुए कंपनी के खातों में से 82,80,000 रुपये आयोजित करने का प्रयास किया। ये एवं श्रीमती अभिलाषा वर्मा द्वारा चोरी किए रहे चेकों को अपने पिता ध्रुवराज शर्मा के साथ मिलकर दुरुपयोग करते हुए रिलायबल ग्रुप के मालिक श्री सितंदर हाफिज खान एंड डायरेक्टर श्री अब्दुल ताहिर को सूचना पत्र दिनांक को प्रेषित किया गया। उक्त सूचना पत्र मिलने पर हमारे दावे चेकों के संबंध में जांच की गई, तब हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसमें ये कह रहे हैं तब हमें जानकारी प्राप्त हुई जबकि लीगल नोटिस मिला और जो इन्होंने जो कंप्लेंट बनाई है मीलॉर्ड 12/5/2 आपके पिताजी ने इनको 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसकी क्या सोर्सेस है? है उसका क्या सोर्स है, उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसके डॉक्यूमेंट सर हमारे पास में जो है ना, हम आपके पिताजी ने जी 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 2008 में, जी उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसका डॉक्यूमेंट ये है कि इनका प्रोनोट है हमारे पास में। वो प्रोनोट क्या है सर? आप तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। वेदर इट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट और इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन। जी मैंने आपसे पूछा सर, आपका
अगर आपको अपने अपनी आर्गुमेंट तक कन्फाइन रखना है तो जस्ट टेल मी, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। और इसके बाद इनके द्वारा इसके बाद जो जो एफआईआर है, जो ट्रॉन डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट पर टी रही है, फोटो स्टेट पर जो है तभी भी मिल और कोई एफआईआर नहीं होती, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। संबंध में ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट, क्या ये जितने भी इनके डॉक्यूमेंट फोर्ड है तो फोर्ड जी जी कहाँ लिखा है कि फोटो को ये है ना, मैं पैरा नंबर 13 से पढ़ रहा हूँ, बताइए पेज नंबर 10 पैरा नंबर 13 मिला जी। देयर आर सो मेनी एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल टू इंसर्ट एडिट और रिमूव एनी कंटेंट वर्ड फिगर और इवन द सिग्नेचर फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फोटोकॉपी क्लोनिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद द डिजायर्ड मॉडिफिकेशन इज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस therefore the color codes are processed not to admit such document। क्या मतलब आप क्यों rely करते हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, ये जो charge sheet जो पेश है ना वो photo state documents पर है। तो क्या हो गया? तो photo state documents तो admissible ही नहीं है ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ admissible है? हाँ तो ये charge FIR के लिए क्या admissibility of document जरूरी है? FIR के लिए admissibility of document FIR document charge sheet पेश किया ना photo state admissibility जरूरी है। जिस दिन mark होगा, जिस दिन exhibit होगा, you can raise an objection, don't worry। FIR जब भाई साहब FIR launch करने के लिए क्या document का admissible होना जरूरी है? फिर मी लॉर्ड इनके द्वारा जब ये पता चला गया, पता चला कि इनके द्वारा forgery की गई है 217101, तो इनके द्वारा एक clone document बनाया गया। ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? नहीं मैं बता देता हूँ ना सर, आप बताते रहिए ना, मैं डिसाइड कैसे करूंगा? इसकी ओरिजिनल है ही नहीं ना कंप्यूटर से, कोई बात नहीं ना सर, ये ट्रायल में जाएगा मेरे भाई, कंप्यूटर से जनरेटेड। चलिए सर ठीक है, और कुछ? यू आर अननेसेसरली मिक्सिंग द केस विद द स्टेट व्हिच इज ये मील और जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है दीजिए, जिसके तहत जो है सेंशन इनको लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? सेंशन लेना जरूरी थी स्टेट। अच्छी बात है सर। और सर दूसरी चीज जो है ये जो है टाइम बार हो चुका मिला। अच्छी बात है, क्या टाइम बार हो गया सर? ये इसमें जो है सेक्शन 55(3) ये कहता है 55(3) ऑफ सेक्शन 68(3) सेक्शन नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। सर कौन से एक्ट का, कौन से एक्ट का? एमपी वेट एक्ट, एमपी वेट टैक्स एक्ट, वेट टैक्स एक्ट, क्या सेक्शन 55? देना भाई किताब दो पहले। सेक्शन 68(3) जस्ट अ मिनट सर मैंने फोटो कॉपी दी, एक सेकंड। दूसरी चीज मी लॉर्ड जिसमें जो है इन्होंने जो आरोप लगाया है इलीगल सीजर ऑफ चेक्स का है, इसके ऊपर जो है आईपीसी लग ही नहीं सकता। जिस एक्ट का केस है उस एक्ट में ही कार्रवाई हो सकती है, इसमें आईपीसी नहीं लग सकता। इनका कहना यह है कि इलीगली ले रहे, छापा डाला था
अनाधिकृत रूप से ले रहे तो सेक्शन 55 जो है पीछे दिया कोई सीजर हुआ था क्या है? उस चेक का सीजर हुआ था है? इंटरटेनर ये है कि आप बताइए ना सर, आपका तो डिफेंस है ना। क्या क्या तो चेक का सीजर हुआ? किसी डॉक्यूमेंट का सीजर नहीं हुआ था उस दिन। ये इंटर जो है ना भाई साहब, मुझे आपसे ये बताइए, जब इनका कहना है कि आपने छापा मारा और आप इलीगली ले गए, तो क्या सीजर, चेक का सीजर किया गया था क्या? कोई चेक का सीजर नहीं है उधर, नो सीजर ऑफ चेक। हाँ जी जी, मैं आपको इनका नोटिस बता रहा हूँ ना, जो इनके जो स्टेट। अरे आप बताओ। नहीं, इनके इनक्रेड खुदरे स्टेटमेंट एंड कंट्रोवर्टेड स्टेटमेंट है ना भाई एप्लीकेंट। किसी तरह का ना लीगल सीजर हुआ ना इलीगल सीजर हुआ, वहां छापे में उस दिन कोई सीजर ही नहीं हुआ है। अच्छी बात है। और दूसरा, इन्होंने जो है जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, छापे में इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं सर, छापे के समय दो अधिकारियों के इंडिपेंडेंट विटनेस सप्रेस कर लिए, जो पेज नंबर P26288 पे है, P27291 पे। जी सर, जे आनंद भार्गव हैं, जे उस समय जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स थे, जे छापे के प्रभारी थे। डिप्टी कमिश्नर कभी भी छापे में नहीं जाता मिला और। मुझे नहीं मालूम सर, ये छापे के प्रभारी थे। तो मैं आपको जो इनके स्टेटमेंट पेज नंबर 291 एनएसएल P27 जी सर। सर मेरे को आप एक कानून बता दो, 226 में मैं ये सब कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ, बताइए ना 226 में क्या कानून बताना सर आपको? मेरे पास इतना स्कोप है कि मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ। ये जो है ना सर, मिस्टर काउंसल, आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर। इंडिपेंडेंट विटनेस, व्हाट एवर इट मे बी सर, प्लीज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू वेस्ट माय टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर माय क्वेरी, दैट अंडर आर्टिकल 226 आई कैन कंडक्ट अ मिनी ट्रायल। आर्टिकल 226 इसलिए लगेगा मिनी ट्रायल इसमें? अरे आई कैन कंडक्ट अ मिनी ट्रायल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मिनी ट्रायल की बात ही नहीं है इसमें, आप कर रहे हैं मिनी ट्रायल की बात। इन्होंने सप्रेस किया ना चार्जशीट पे से, तो आप डिफेंस है आपका? नहीं नहीं, पहले आप मुझे 226 के प्रोविजंस बताइए सर। मैं बताता हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू वेस्ट। हाँ नहीं, आपको बता पढ़ के मत बताइए, जो जजमेंट बताइए मेरे को। हाँ जजमेंट ही बता रहा हूँ, प्लीज जल्दी बताइए सर, आई हैव टू राइज। ये भजन लाल का जजमेंट, हाँ देख लिया मैंने भजन लाल का जजमेंट सर। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिया मैंने, मुझे मालूम है। नहीं, इसका पैरा जी आप देख लीजिए साहब, वकील साहब रोज पवाते हैं हमको। अरे मी लॉर्ड जो है, ये जो है, अच्छा जल्दी बताइए सर। But if a police officer transgresses the circumstances limit and improperly and illegally exercises his investigative power in breach of any statutory provision, causing serious prejudice to the personal liberty and also property of a citizen, then the court on being approached by the person aggrieved for the redress of any grievances has to consider the nature and extent of the breach and pass appropriate orders as may be called for without leaving the citizens to the mercy of the police ecolum. Since the human dignity is a dear value of our constitution, it needs no emphasis that no one can demand absolute immunity, even if he is wrong and claim unquestionable right and unlimited powers exercisable up to the unfathomable cosmos. Any recognition of such power will be tantamount to recognition of divine power. इनके द्वारा मी लॉर्ड, ये इसमें देखिए, ये पेज नंबर 2983 पेज नंबर 275 जी, पेज नंबर 27 DIG भोपाल ने इनके साथ मिलकर के जो एक एंट्री की है, जो फर्जी एंट्री की है 2983 पे, श्री सोहेल नकवी DR शर्मा शिकायत दिनांक 12/5/2008 पर कार्रवाई नहीं किए जाने वाले कोई फिजाटू भेजिए। इसके आगे जो एंट्री थी, जो ओरिजिनल एंट्री थी 2983 SN तिवारी, इसके आगे एक और जो एंट्री दी गई, और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ये लास्ट में कुछ पेजेस ब्लैंक रख देते हैं। इसको मैं बी रॉड बता रहा हूँ, पेज नंबर 283 पे, 283 पे ये
पेज नंबर 283 लिटाली मिलो। हाँ 2405 के नीचे जो है 4-5 लाइनें छूटी हुई है। इसी तरह से पेज नंबर 284 पे 2935 के पीछे पेज नंबर छोड़, उस स्पेस का यूज करते हुए ना नीचे उसकी एंटिटी इस व्यक्ति ने कहीं भी राइटर नहीं मिला। नहीं डीआईजी को जो शोभा देता है कि किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में फर्जी एंट्री कर ले, ये तो फिर इस तरह से तो मिल आउट जो है पूरा ही प्रशासन ही नष्ट हो जाएगा। ये एंट्री दी रही है और इनको सबको पिटीशन की कॉपी स्टेट को भी दे दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी। सर आगे मैं संतो आगे बढ़िया सर जी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इन्होंने किया है मिल आउट जी। और दूसरा जब भी एनआई एक्ट का केस होता है मिल आउट, तो एनआई एक्ट के केस में जो है अच्छा जो लीगल नोटिस इन्होंने दिया, लीगल नोटिस को भी इनके द्वारा सप्रेस कर लिया जाए। चार्जशीट में लीगल नोटिस आप देखिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई पेज नंबर P9 ठीक है ना सर, एनएचआर P9 पेज नंबर 243। इसके लीगल नोटिस के लास्ट पैरा पर मिल ऑर्डर दे दिए पेज नंबर 241। जी ये क्या कहता है सर इसमें, इसमें मैंने पीछे जो है अंडरलाइन किया है वो कह रहा है इसका जजमेंट की कॉपी मेरी जो है एक और थी और भी मुझे मिल नहीं जी सर। इसमें ये कहा है कि यदि कोई भी आदमी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करता है जो अनकंट्रोवर्टेड है तो हाईकोर्ट को उसको ट्रेस करने में लेना चाहिए। ये जो कह रहे हैं जब चैट चोरी किसके खाते चैट चोरी हुए 2171 पे, तो जब 2171 इनका अकाउंट नंबर ही नहीं है 2171 तो कैसे चैट चोरी कर सकते थे, चैट चोरी का एलिगेशन ही डाला था इनका। और दूसरी चीज ये पैरा 4 में कह रहे हैं पेज नंबर 244 पे आ जाइए, इसमें कह रहे हैं कि उच्च छापे के दौरान आपके पिता ध्रुवराज शर्मा द्वारा मेरे पत्रकारगण के पेज नंबर 244 मिल आउट, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट लाया सर इसको परसों सुबह कंटिन्यू करेंगे हैं, परसों सुबह कंटिन्यू करेंगे सर जी।